ਰੰਗੀ ਲੱਗੀ ਆ ਆ ਵੇਲੋ ਨਾ ਆਇਆ ਵਿੱਚ ਖਾ ਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁਕਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾ ਲੈਣ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈ ਨਾ ਇਹਦਾ ਵੇਲ काम। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं दोस्त? सारे ठीक ठाक हैं। तो दोपहर का जो है खाना अभी खाया है, क्योंकि आज संडे था, और चने इंतहाई अच्छे और नान ज़बरदस्त मज़ा है। तो बात की जाएगी आम के बाग के बारे में, जिस पे पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ, एक आम के बाग की तैयारी, जो उसका थंबनेल था टाइटल, वो अलग प्रोजेक्ट है। इस वक्त मैं उधर ही बैठा हुआ हूँ। मैं वो जो पौधे मैंने आपको दिखाए थे, जो लगाए हैं, वो अलग प्रोजेक्ट है। मुल्तान से स्पेशल जो है वो खास कैटेगरी के सर्टिफाइड प्लांट्स मैंगो के जो है वो मंगवाए गए हैं। गाड़ी आ जानी थी, लेकिन बाज़ वजूहात की बिना पे वो आ नहीं सकी, तो सुबह आएगी इंशाल्लाह ताला। तो वो बाग लगाने के लिए स्पेशल जो है वो ज़मीन की तैयारी की गई है, लेज़र मशीन से उसका लेवलिंग की गई है, सारा प्रोसेस उसका जो था वो मुकम्मल किया गया है, वो मैं अभी आपको दिखाता भी हूँ। ये पूरा सीज़न होगा, पूरे एपिसोड इसके होंगे, पार्ट होंगे इसके, वन बाई वन जो है वो साथ साथ जो जो काम होगा वो अपलोड किए जाएंगे सारे पार्ट उसके। तो ज़मीन जो है हमने तैयार की है, उसका मैं दिखाता हूँ आपको सारी जो है। पनीरी हमने तैयार की थी और उसको खुली जगह पे उसको शिफ्ट किया गया है, वो अलहदा प्रोजेक्ट है, ये अलहदा है, उसका और प्रोसेस है, और तरीका उसका, उनकी भी ग्राफ्टिंग होगी, वो और मामला है, उसको बाद में जो है शेयर किया जाएगा आपके साथ। तो नया बाग जो है वो स्पेशल सर्टिफाइड जो प्लांट्स हैं वो मैंगो के, वो मुल्तान से, क्योंकि मुल्तान पाकिस्तान में मशहूर है आम के वाले से, और सारा इसकी फार्मिंग और पौधे नर्सरियां वगैरह उस शहर के अंदर ही ज़्यादातर जो मौजूद हैं। तो चलते हैं, देखते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ ज़मीन की तैयारी जो की गई है। तो कल इंशाल्लाह लेबर आएगी और बंदे सारे जो है वो लगाए जाएंगे, मैं ख़ुद भी पेश पेश उसमें यानी कि लगाऊंगा, मैं ख़ुद भी अपने हाथों से पौधे आम के जो है वो पूरा आपको दिखाया जाएगा, एपिसोड उसके होंगे पार्ट। ये उस जगह पे उस खेत के अंदर ही मैं बैठा हूँ, पहले मैंने इस वीडियो बना चुका हूँ, इस पर जो है दिखाई थी। इसका और पर्पज़ है, ये जो पनीरी हमने तैयार की थी, फिर उसको खुली जगह पे शिफ्ट किया सारा मामला जो था, लेकिन अभी जो बाग लगाने लगे हैं, जिसके लिए ज़मीन तैयार की है, वो और पर्पज़ है उसका, वो स्पेशल जो है वो ख़ास, साथ साथ आपको बताएंगे। STS यानी मैंगो स्मॉल ट्री सिस्टम के तहत वो बाग लगेगा, सारी इन्फॉर्मेशन उसकी, सारा प्रोसेस आपके साथ शेयर किया जाएगा। चलते हैं उसकी तरफ, जो ज़मीन जो है वो रेडी की गई है, जो पहले आम के पौधे लगाए गए हैं वो उस जगह पे, और इसके साथ ही ये जो सारा इस जगह आपको एरिया नज़र आ रहा है सारा, उधर वो भी साइड में आपको दिखाता हूँ, ये ज़मीन तैयार की गई है स्पेशल, जो ख़ास STS यानी मैंगो स्मार्ट ट्री सिस्टम के तहत इधर बाग अभी कल से शुरू हो जाएगा लगाना जो इंशाल्लाह ताला। तो ज़मीन रेडी इसके लिए की गई है, लेवल की गई है, सारा उसका प्रोसेस जो था। जी ये सारी जगह है, तकरीबन एक एकड़ है, और इसके अंदर जो है वो ज़मीन की तैयारी कैसे की गई है वो मैं आपको बताता हूँ। रोटावेटर की मदद से जो है वो बिल्कुल बारीक ज़मीन को नरम किया गया है, उसके बाद उसके ऊपर लेज़र जो है वो मशीन की मदद से उसको लेवल करवाया गया है सारी ज़मीन को जो है वो। ये इधर से लेके
सारा जो है वो, ये अभी आसफ लगा हुआ है, बन्नी बना रहा है ये, ताकि बाद में पानी बाग को लगाना हो तो उसका जो है वो प्रोसेस जो है वो जारी है। ये सारा एरिया इसमें तो ये लाइनें जो है वो हल की मदद से, ट्रैक्टर की मदद से जो है वो लाइनें बनाई गई हैं। ये जो आपको ट्रेंच नज़र आ रही है, इसी तरह ही ये चूँकि मैंगो स्मॉल ट्री सिस्टम के तहत जो है वो एसटीएस के तहत ये बाग लगाया जाएगा, तो मखसूस फसल पे जो ये ट्रेंच जो हैं बनाई गई हैं। एक दूसरी ये इस तरह डिवाइड किया हुआ है इनको, पूरे एरिए को जो है ना, ये बनाने का मकसद है ताकि पौधे इसमें रखते जाएं और पीछे दो बंदे जो हैं वो फट्टी की मदद से लेवल करते जाएंगे, साथ साथ मिट्टी जो है वो डालते जाएंगे। इसका मकसद ये है कि ताकि जो सुराख हैं, होल जो गड़े हैं, वो मौके पे ना खोदने पड़े पौधे लगाने के लिए, यानी जो पौधे लगाने का प्रोसेस है उसको आसान बनाने के लिए इसको किया गया है। तो साथ साथ जब लगाएंगे तो साथ दिखाएंगे आपको सारा प्रोसेस उसका, स्टेप बाय स्टेप। तो आसफ जो है वो बड़ा मेहनती आदमी मेरे साथ मौजूद है, अभी बन्नी बना रहा है ये, बहुत गर्मी काफ़ी है, काफ़ी पसीना हुआ है, तो काफ़ी मेहनत। चूँकि ये पूरा जो खेत था वो डिवाइड था दो हिस्सों में, तो ये बन्नी ख़त्म कर दी गई थी जब इसको लेवल किया था, अब दोबारा बनाई जा रही है। बाद में पौधों को पानी देना का जो सिस्टम है ताकि वो भी ठीक रहे। ये सारी माशाल्लाह इसने बनाई है, बड़ा मेहनती आदमी है। तकरीबन एक एकड़, दो कनाल काम होंगे उधर, बाकी सारा जो सेटअप है वो है बकरियों का जो है वो सेटअप, गैराज और कमरे वगैरह, दूसरे बाकी मामला जो उठने बैठने के लिए जगह। सारा इधर से जो है वो इधर तक, वो जगह छोड़ी गई है ट्रैक्टर वगैरह उधर जाने के लिए, तो उस पिछले खेत वो जगह है जिधर पहले वो पनीरी हमने तैयार की थी और सारा वो उधर पौधे लगे हैं, उसका प्रोसेस और है, वो और पर्पज़ है, बाद में आपके साथ शेयर किया जाएगा। इसके अंदर जो है वो पौधे लगाए जाएंगे, ऐसे पौधे को रखा जाएगा साइडों से, सपोर्ट देने के बाद इसको पीछे पीछे लोग जो है इसको लेवल करते जाएंगे। कल इंशाल्लाह ताला इसका वो गाड़ी आ जाएगी, पौधे आ जाएंगे मुल्तान से, तो काम शुरू कर दिया जाएगा। तो साथ साथ मैं जो है वो आपको ये बताता चलूँ कि चूँकि सितंबर का महीना है, तो इस माह के अंदर आम का जो है वो शजरकारी, आम का बाग लगाना, पौधे लगाना जो है वो बेस्ट मौसम और बेस्ट महीना है सितंबर का महीना। तो इंशाल्लाह ताला जो है वो नेक्स्ट वीडियो में शेयर किया जाएगा आपके साथ। खुदा।